हमारा आज भी कहना है कि वही समाज आगे बढ़ा है जिस समाज से मुख्यमंत्री बना है, और उपेंद्र कुशवाहा को हम लोग मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, इसीलिए हमने अपनी पार्टी को मर्ज किया था। लेकिन ये तो इतना बड़ा देखिए, इतना बहुत साफ है कि जो खास करके तीन पार्टियां हैं बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू, ये 30 वर्षों से बिहार को रसातल में पहुंचा दिया है। इसलिए ये तीनों पार्टी के साथ कोई समझौता का कोई बात ही नहीं होगा, और हम लोग का टारगेट सीधा सीधा है 2024 में अपनी पार्टी की सरकार बनाना है। हम लोग कोई 2-4, 10-20 MLA पैदा करने के लिए पार्टी नहीं बनाए हैं, और तन मन धन लगा करके इस पार्टी को हम मजबूत करेंगे, और 2025 में हमारी पार्टी की सरकार बने, उस तरह से हम लोग मिलकर काम करेंगे। भैया, कारण स्पष्ट आपको पहले बता दिया कि देश का और बिहार का जितने पॉलिटिकल पार्टी है सब प्राइवेट कंपनी है। मैंने तो बताया डिटेल्स की, वो जितने पार्टी का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसके अलावा तो किसी का कोई वैल्यू नहीं है। और मैं अमर शहीद जगदेव प्रसाद के खून से पैदा लिया हूँ, मैं डिक्टेटरशिप बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, और प्राइवेट कंपनी डेमोक्रेसी में उसका कोई महत्व नहीं है। इसीलिए हम अपनी पार्टी बनाए हैं, डेमोक्रेटिक वे में हमारी पार्टी काम करे। इसके पहले भी पार्टी बनाया था, उसका विलय आपने कर दिया, तो क्या कारण था? नहीं देखिए, सवाल है कि उस समय हमारा आज भी कहना है कि वही समाज आगे बढ़ा है जिस समाज से मुख्यमंत्री बना है, और उपेंद्र कुशवाहा को हम लोग मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, इसीलिए हमने अपनी पार्टी को मर्ज किया था। लेकिन ये तो इतना बड़ा गद्दार निकला, पूरे समाज को बेच बात के दुश्मन के गोदी में चला गया उपेंद्र कुशवाहा। उसका नाम भी नहीं लेना चाहते, लास्ट है उसका नाम लेना, अब आगे से नाम भी नहीं लेंगे, नहीं तो खाना भी नहीं किसी को मिलेगा। इसलिए हमने पार्टी को समाज और राज्य के हित में किया था, लेकिन अब मेरा बिल्कुल ऐलानिया तौर पर मैं कह रहा हूँ कि जो शोषित इनकलाब पार्टी है, किसी भी कीमत में किसी पार्टी में मर्ज नहीं होगा। पार्लियामेंट में अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग पैक करके चुनाव लड़ सकते हैं। सर, जातीय जनगणना को आप क्यों गलत ठहरा रहे हैं, सवाल खड़ा कर रहे हैं? मैं तो पहले ही इसका जवाब दे दिया कि अगर जातीय जनगणना में 52% से 65% अगर पिछड़े वर्ग आ जाते हैं और आरक्षण नहीं मिलेगा, तो आम जो पिछड़े वर्ग के लोग, उनको क्या मिलने वाला है, कोई हमको बता दे। मैं लालू नीति से पूछ रहा हूँ, क्या मिलने वाला है? हाँ, दोनों लालू नीति ताली जरूर बजावेंगे, पिछड़ी जाति को 30 साल से तो बेवकूफ बनाते रहे हैं कि हमने जातीय जनगणना करा दिया, 500 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। अगर शिक्षित बेरोजगार नौजवानों के लिए अगर इन लोग कोई फैक्ट्री करता तो एक फायदा होता, लेकिन मैं तो पूछ रहा हूँ कि इससे क्या मिलने वाला है। इसीलिए पहले 27% से 52% आरक्षण की लड़ाई हम लोग शुरू कर दिया। सर नागमणि जी, आप ये बताइए मुझे कि जो अभी बुलकुर शर्मा का जो विवाद हुआ है, पहले बाबरी मस्जिद का भी केस हुआ था तो बिल्कुल सुकून से सब मामला निपट गया था, किस तरह से आप देख रहे हैं इस विवाद को, बुलकुर शर्मा के विवाद को? देखिए ऐसा है कि देश आज़ादी के बाद मुसलमानों के चुप रहने के वजह से आज मुसलमान कभी शासक था, आज बैकवर्ड और दलित से भी पीछे हो गया है। आप हमको जवाब दीजिए कि जब बाबरी मस्जिद में गोविंद वल्लभ पंत वहाँ के मुख्यमंत्री थे और जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय रामलला का मूर्ति बाबरी मस्जिद में रखा गया, उस समय मुसलमानों ने क्यों नहीं विरोध किया? जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उस समय रामलला का मूर्ति रखा गया, मुसलमानों ने क्यों नहीं विरोध किया? अब जब नरसिंहा राव सेकुलर पार्टी के प्रधानमंत्री, उस समय डिमोलिश हो गया,
तब लोगों ने बाबरी मस्जिद का नाम शुरू किया। आज मैं कहना चाहता हूँ कि मुसलमान लड़ाकू कौम है, बहादुर कौम है, जो कोई दबा नहीं सकता है। लेकिन आज नुपुर शर्मा का जो स्टेटमेंट आया इस्लाम के खिलाफ, पैगंबर के खिलाफ, मुसलमानों ने खाली मार्च किया तो भारतीय जनता पार्टी के कहने पर नुपुर शर्मा ने स्टेटमेंट दिया। प्रवक्ता क्या होता है? पार्टी का प्रवक्ता होता है। लेकिन बीजेपी की सरकार को नुपुर शर्मा पर कार्रवाई करना पड़ा। इसलिए मेरा पुरजोर मुसलमान भाइयों से निवेदन है कि अत्याचार अन्याय को सहन मत करिए। अपना धर्म के पॉइंट पर, आपके एग्जिस्टेंस के पॉइंट पर बिल्कुल लड़ाई लड़िए डेमोक्रेटिक तरीके से। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि मुसलमान को कोई दबा सके। और मुसलमान के साथ तमाम हम मीडिया के तमाम लोग से कहना चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान क्या है? मोहम्मद गोरी मात्र 600 मुसलमान भारत पर आक्रमण किए, आज 30 से 40 करोड़ मुसलमान हैं, वो मोहम्मद गोरी के वंशज है नहीं। ये जिसको आप हिंदू धर्म कहते हैं, हिंदू धर्म में जो विषमता था, छुआछूत, भेदभाव, उच्च नीच की भावना, उसी के वजह से बड़े पैमाने पर चाहे अपर कास्ट के लोग हों, चाहे बैकवर्ड हों, दलित हों, वो इस्लाम धर्म ग्रहण किया। इसलिए मुसलमान और हिंदू में कोई फर्क नहीं है, दोनों सहोदर भाई हैं। उस तरह से आम लोग को लेकर के चलने की जरूरत है।